किसी भी आदमी को किसी भी शरीर पर कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं है। मैं पतला हूँ, आप मोटे हो, कोई लंबा, कोई गिट्टा, उससे कोई मतलब नहीं है। जो लोग उनके लिए गलत जो कमेंट टिप्पणी कर रहे हैं उनका विरोध करते हैं कि कोई लिंबू झेंगुर कोई नहीं है, ये बहुत गलत शब्द है। राजपूत समाज है पूरा, जो यहाँ से जो जितने भी गांव हैं वो सब मीणा समाज के साथ हैं, सचिन मीणा के साथ हैं। कहीं वो उनकी क्लाइंट है, वो एज ए लॉयर है। मैं वो हर व्यक्ति अपना क्लाइंट को आश्वासन देता है। मेरे सचिन में खराबी क्या है? लंगड़े लूड़े तो नहीं है। मेरे पति बहुत सुंदर हैं। आप लोग कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहे, मेरे पति मेरे लिए हीरो हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, सीमा हैदर बनाम मिथिलेश में क्या पूरा मामला पलट गया है, ये आज की बड़ी खबर और इसीलिए हमने आज इस मुद्दे को तय किया। दरअसल सीमा और मिथिलेश भाभी की लड़ाई में अब नया मोड़ आ चुका है। सीमा के पति सचिन को लप्पू और झिंगुर कहने वाली मिथिलेश भाटी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी तक मिथिलेश के समर्थन में वहां के लोग नजर आ रहे थे, लेकिन अब पासा पलट चुका है। ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में राजपूत समाज के लोग एकजुट हुए और उन्होंने सीमा और सचिन का समर्थन किया, मिथिलेश भाटी के बयान को गलत बताया। सुनिए राजपूत समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा। हम गांव मिर्जापुर से आए हैं और इनको समर्थन के लिए देने आए हैं, और पहले दिन से हमारा इनके लिए समर्थन था। सचिन के साथ थे, सचिन के साथ हैं, सचिन के साथ रहेंगे। किसी भी आदमी को किसी भी शरीर पर कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं है। मैं पतला हूँ, आप मोटे हो, कोई लंबा, कोई गिट्टा, उससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाले की प्रकृति की देन है, तो उस पर किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। तो हमारे छोटे भाई की घरवाली है, तुम्हारी बेटी समान है, ठीक है, और हम सचिन सीमा के साथ में, और जो लोग उनके लिए गलत जो कमेंट टिप्पणी कर रहे हैं उनका विरोध करते हैं कि कोई लिंबू झिंगुर कोई नहीं है, ये बहुत गलत शब्द है। समर्थन है, और ये बताइए गलत शब्द बोल कौन सकता है किसी के खिलाफ? आप बताइए, मैं आपके खिलाफ बोलूं क्या? कमजोर चमक रहा है सचिन कमजोर नहीं है बिल्कुल भी। अब वो लोग अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, और ये जो कह रहे हैं ना कि हम राजपूत समाज से आ रहे हैं, अरे राजपूत का मतलब क्या है? दूसरे की रक्षा करना होता है राजपूत का मतलब, ये कौन सी बात होगी? आप राजपूत की रक्षा कर रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं? पूरा जो एरिया है ना राजपूत समाज है पूरा, जो यहाँ से जो जितने भी गांव हैं वो सब मीणा समाज के साथ हैं, सचिन मीणा के साथ हैं। जो दोनों बहन है उनका विरोध कर रही है ना, वो विरोध कर रही है, वो बिल्कुल बकवास कर रही है। विरोध नहीं करना चाहिए उनको, सच्ची लोकप्रियता मिल चुकी है। अब विरोध को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बंद करें। अगर ज्यादा धींगरा है या ज्यादा बलवान है तो मेरे लिए बोलकर दिखा, मैं वो लप्पू और झिंगुर मैं बताऊंगा उन्हें क्या चीज हूँ मैं। तो आप सोचिए भाई, अलग ही जंग छिड़ी है गांव में। अभी तक सचिन सीमा पर चर्चा चल रही थी, सीमा के खिलाफ जांच चल रही है, नागरिकता मिले ना मिले, कितने झोल हैं, इस पर हम सवाल पूछ रहे थे। लेकिन गांव में एक अलग तरीके का बंटवारा, एक अलग तरीके की लड़ाई, लोग कह रहे हैं हमको लप्पू झिंगुर बोलकर बताओ, इस तरीके का माहौल है गांव में। मिर्जापुर से आए ये लोग कल सीमा और सचिन के समर्थन में महापंचायत करने वाले थे। हालांकि पुलिस ने इन्हें पंचायत की इजाजत नहीं दी, लेकिन लोगों का कहना है कि जल्द ही सीमा सचिन के समर्थन में पंचायत करेंगे। उधर मिथिलेश भाटी की बहन गीता भाटी ने पंचायत को लेकर क्या कुछ कहा वो भी सुने। सबका अधिकार है, अगर वो पंचायत कर रहे हैं, हमने तो उनसे कहा नहीं पंचायत मत करो, करो। हमें कोई बाहुबल तो है नहीं, हमें कोई इलेक्शन लड़ना नहीं, हमने तो देश हित में दो आवाज उठाई, वो आवाज हमारी ना तो गलत थी, ना आज गलत है, ना कल गलत थी। और उसमें अपना कोई विरोध करे, कोई समर्थन में आए, इस चीज से हमारा लेना देना नहीं है। सीमा हैदर को नागरिकता मिले ना मिले, इसको लेकर भी गीता भाटी से बातचीत की गई, सवाल पूछा गया, क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मैं टिप्पणी में नहीं कर सकती, क्योंकि वो कुछ भी कहें, वो उनकी क्लाइंट है, वो एज ए लॉयर है। मैं वो हर व्यक्ति अपना क्लाइंट को आश्वासन देता है, तो उसमें उनकी बात को मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने क्यों ऐसा बोला, ये उनका अपना विचार था। मेरा विचार आज भी वही है कि अगर नागरिकता मिलेगी तो वो सरकार देखेगी, एजेंसियां जांच करेंगी, क्लीन चिट मिलेगी, गवर्नमेंट हमारी नागरिकता देगी नहीं देगी, उस पर मैं सवाल इसलिए नहीं कर सकती कि इस विषय में मेरा कोई रोल है नहीं। सचिन को लप्पू और झिंगुर कहने वाली मिथिलेश भाटी ने सीमा ने एक बार फिर से जवाब दिया है। सीमा हैदर का कहना है कि उसके सचिन में क्या खराबी है, उसका पति तो उसके लिए हीरो है। हमने अलग से बातचीत की है, सुनी। और मुझे आप लोग एक बात तो बताएं, मेरे सचिन में खराबी क्या है?
मुझे तो मेरे पति में कोई भी खराबी नहीं दिखती। सब लोग यही सवाल उठाते हैं, ऐसा क्या है सचिन में? मेरे सचिन में खराबी क्या है? लंगड़े लूड़े तो नहीं है, मेरे पति बहुत सुंदर हैं। आप लोग कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहे, मेरे पति मेरे लिए हीरो हैं, बहुत सुंदर हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, मेरे बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूँ जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि सीमा बनाम मिथिलेश क्या पूरा मामला पलट चुका है? पूरा गांव क्या सीमा हैदर के साथ है? भाटी भाभी का क्या होगा? मिथिलेश भाभी को सीमा हैदर ने क्या तगड़ा जवाब दिया? लप्पू झिंगुर वाला मामला आखिरकार कहां तक जाएगा, क्योंकि पहले नोटिस अब महापंचायत की बातचीत। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। एपी सिंह हमारे साथ, सीमा हैदर के वकील। गीता भाटी जी मिथिलेश भाटी की बहन है। अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट। मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ रही है। नीतीश शर्मा और संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं शो की शुरुआत और जैसी बातचीत हुई है, एपी सिंह जी मैं आपसे करता हूं। और सवाल पहला ये कि आपने आखिरकार ऐसी क्या चाल चल दी कि सभी लोग सीमा हैदर के साथ हो गए? गांव में एक अलग तरीके की जंग छिड़ी हुई है, मिथिलेश और गीता भाटी के खिलाफ लोग बातचीत कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता किसी के खिलाफ ना हो। तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा दो गुना हो जाएगा। सावन का महीना है, रक्षाबंधन का त्योहार है, कल बहन भाई का प्यार था, देखा पूरे दुनिया ने देखा, और आज पूरी दुनिया मना रही है। तो आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है बौद्धिक चर्चा के लिए, तो कोई बात नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो कहलवा लिया उनसे मीडिया ने, कैसे भी, अब कोई बात नहीं, गांव के हैं, अपने हैं, बहन भाई, वो भी मेरी बहन है, वो भी बहुत सम्मानित बहुत पुरानी बहन है। सीमा तो अभी बनी बहन, आने के बाद वो हमारी बहुत पुरानी बहन है। तो बहन बहन है, उनके बीच का रिश्ता भाभी भाभी वाला है, तो भाभी वाला रिश्ता तो अलग है, भाई वाला रिश्ता अलग है। महिलाओं में आपस में हो जाता है थोड़ा बहुत ईर्ष्या, भाभी भाभी में, देवर भाभी में, जेठ जेठानी में, नरद नंदोई में, तो पारिवारिक। एपी सिंह जी, पुरानी बहन के खिलाफ आप नोटिस भिजवा रहे थे, अब महापंचायत करवा रहे हैं, कौन कौन से तीर आपके तर्कश में है? आप कह तो रहे पुरानी बहन, लेकिन पूरी जंग छिड़ी हुई। उस समय लगा मुझे कि ऐसा होना चाहिए था, तो वो हुआ। जब जैसा जो चीज लगे वैसा करना चाहिए, वो हुआ। अब कोई बात नहीं है उसमें। अब तो सावन का महीना है, राज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है, आज तो इसकी बात की जाए, जो बुलाए बहन को भाई को रक्षाबंधन की बात हो, और ये ज्यादा अच्छी लगेगी। पंचायत देखिए लोकतांत्रिक अधिकार है, व्यक्ति को विचार अपने रखने हैं। गांव में पंचायत के बिना कोई काम होता नहीं है, तो प्यार मोहब्बत की पंचायत होती है, लड़ाई झगड़े की थोड़ी होती है। हमने किसान आंदोलन में कितनी पंचायतों में गए, पंचायतें हुई, और ये पंचायतों ही तो थी जो बॉर्डर पे, बॉर्डर के माध्यम से आप लोगों ने देखा पूरा, और हमने वो केस लड़े जी। नहीं नहीं एपी जी, लेकिन ये पंचायत भाटी भाभी के खिलाफ। दूसरी बात है कि गीता भाटी कह रही है कि आप भाई हैं, राखी आपने बदवा ली, और नागरिकता की बात पर हमने सवाल पूछा तो ये कहा गया कि आप सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। नहीं, वो कोई बात नहीं, देखो भाई एडवोकेट क्या करेगा, हम तो किसान आंदोलन में 3 दिन लगातार बहस करते रहे, लोग कह रहे थे अपोजिट पार्टी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, कानून कभी नहीं बदले जाते, रोक नहीं लगती है राष्ट्रपति द्वारा बने कानून में, लेकिन हुए, मिला स्टे, तो हमारे किसानों की जीत है। तो ये भाभी भाभी का उनका है, हमारे लिए दोनों बहने हैं, सम्मानित है, आदर के योग्य है, इज्जत है, सम्मान है। और जो राखी का त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, जिसे बहन बोलो तो फिर बहन है, बहन मानी जाएगी, बहन रहेगी। तो गीता भाटी से भी राखी बदवा लिए होते उसी गांव में गए थे तो? अरे बुलाया होता तो मैं तो, जब बुलाए मेरी बहन तो मैं तो चला जाऊंगा, मेरे घर आ जाए, मैं स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा। बहन भाई का रिश्ता अटल है, अमर है, बहुत संस्था बहुत मर्यादित है, प्यार का है, मर्यादा का है, सभ्यता का है, संस्कृति का। और संजोग देखिए एपी सिंह जी, संजोग देखिए, गीता भाटी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता भाटी जी, एपी सिंह कह रहे हैं कि आपसे भी वो राखी बंधवाने के लिए तैयार है। आप नाहक में कह रही थी कि आप भाई हैं, आश्वासन दे रहे हैं, नागरिकता को लेकर माहौल बनाया जा रहा है आपके खिलाफ। नहीं, ऐसे नहीं कहा गया,
गलत बात पेश मत करिए। पहली चीज, मेरे शब्दों को तोड़ने का प्रयास न करें। मैंने कहा कि वो उनकी क्लाइंट हैं, वो राखी बांध रही हैं, बांध रहे हैं, अच्छी बात है, बहन भाई का संबंध है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या विचार है, मैंने कहा इस पे मैं कोई कमेंट क्या करूंगी। भाई वो क्लाइंट को अपने को जैसे भी चाहे वैसे बोले, ये सरकार का उद्देश्य है, सरकार देगी या नहीं देगी वो अपना कोर्ट में तय करेंगे नहीं करेंगे, उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं कोई अधिवक्ता हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं अपने विचार जो रख सकती हूँ मैं वो रखूंगी। कोर्ट से संबंधित या उन चीजों से जो नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी उससे संबंधित मेरा कोई रोल है नहीं, तो मैं क्यों कहूंगी उस चीज को। दूसरी बात, भाई है वो बहन मानते हैं, मैं भाई मानती हूँ, सत्य बात है, उसमें कोई दोराय नहीं है, इसमें झूठ भी क्या है। भाई वो हमें बहन बोलते हैं, हम भाई बोलते हैं, बात अपनी अपनी है। सच बोलना, कहीं कहीं कोई भी हम पे कोई प्रेशर नहीं होगा, हम सच बोलेंगे। हमने विरोध किया, हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। फांसी लगती हो हंसते हंसते लेंगे। देश की नारी है, हिंदुस्तान की बेटी है। भाई क्या हुआ, भगत सिंह फांसी लगे थे ना देश के लिए? अगर दो बेटियों ने आवाज उठाई देश हित में तो क्या हो गया इस 52 गांवों में? कहीं तो सीमा हैदर का रहना देश हित के खिलाफ है, बाहुबल दिखाने की। रघुपुरा में रहना देश हित के खिलाफ है। गीता भाटी जी, नहीं नहीं ये चीज है, एक मिनट मेरी सुनिए। मेरा गांव है म्याना, आकलपुर म्याना मेरा ससुराल है। मैं पंचायत करूंगी तो अपने गांव में करूंगी, दूसरे के गांव की तरफ क्यों भागूंगी? आपके खिलाफ पंचायत हो रही है रघुपुरा में? क्या उस गांव में दो ही लोग रह गए थे क्या विरोध करने के लिए? और भी गांव के लोग थे। नहीं नहीं, आपके खिलाफ पंचायत हो रही है? कल तक वो मुझे पूरा समुदाय आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। गीता भाटी जी, मैंने कुछ नहीं किया है, पूरा सुन लीजिए। मेरे खिलाफ माहौल बनाने वालों को धन्यवाद, बनाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने हिंदुस्तानियों पे, अपने समाज पे, अपने गांव वासियों पे, पूरी 36 बिरादरी पे गीता भाटी ने सबके लिए खड़ा होना तो माहौल है, कौन बना रहा है? सीमा हैदर, सचिन, किसी एपी सिंह नहीं गई, कौन माहौल बना रहा है आपके खिलाफ? जब एक स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है ना, सुनिए भाई, जब एक स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है तो कुछ कैरेक्टर भी होते हैं। होने दीजिए, चलने दीजिए, अरे सबकी दुकान चलने दीजिए। हमें लगता है कि शायद उन्हें लग रहा था कि सीमा हैदर की वजह से हमें वो मिली, ऐसा नहीं था। हमारे घर कुछ पत्रकार भाई आए, मिथिलेश चलो गलती से वहां गई थी, लेकिन गीता भाटी के विचार लेने आप ही जैसे मीडिया बंधु मेरे घर आए, आज तक भी आते हैं। मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, मैं तो किसी को नहीं कहती, आप आते हैं जो मुझसे आते थे। ठीक है, एक सवाल एपी सिंह जी, उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर दूंगा। दे सकती हूँ सम्मान, स्क्रिप्ट लिखी गई है, माहौल बनाया जा रहा है। गीता भाटी कह रही है, नहीं नहीं वो कुछ ऐसा नहीं कह रही, आप कह रहे हैं, आप कहलवाना चाह लो, वो कुछ नहीं ऐसा कर रही, वो हमारी बहन है। सावन से कह रहे हो, मैंने तो एक बात कही, आप उसे इधर उधर मत घुमाइए। देखिए मीडिया वाले जब घुमाते हैं तब आदमी कंफ्यूज होता है, कहने का अर्थ और मानने का समझने की कोशिश करिए। ये गांव का माहौल है, यहाँ गांव में इतने जहर भरने की जरूरत नहीं थी। मीडिया वालों का तांता जब लगा रहता है तो ये मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ आप दोनों लोगों को। ये पूरा मामला मुझे वाकई में पलटा हुआ क्यों लग रहा है? गीता भाटी जी, आपके सुर मुझे बदले हुए लग रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि अब सीमा हैदर की साइड हो गई हैं। गलत बुलवाना चाहते हैं, मैं क्या ठीक हूँ या अभी भी आप सीमा हैदर की खिलाफत कर रही हैं? फहमियां फैलाना बंद करें सभी लोग, और ये गांव का माहौल है। और आप लोगों को मैं दावत देती हूँ, परसों यानी 1 सितंबर को मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट का फेयरवेल है, पार्टी है, सब लोग आमंत्रित है, और देखिएगा कि कितना प्यार है यहाँ समाज में। सुनिए गीता भाटी जी, गीता भाटी जी, एक सवाल और एपी सिंह भी है, एपी सिंह भी है, एक मामला और क्लियर कर लेता हूँ। पूरी जेवर नहीं नहीं वो नहीं नहीं वो ठीक है, बड़ा कार्यक्रम होगा, बातें करते हो भाई, ठीक है। एक एक भाटी के विरोध में नहीं नहीं, गीता भाटी जी, गीता भाटी जी, अरे सुनिए सुनिए, आप तो आपके भाई एपी सिंह भी है, आप भी भाई मान रही है, वो भी आपको बहन मान रहे हैं, तो एपी सिंह जी को क्या आप इन्वाइट कर रही है उस कार्यक्रम में? सीमा हैदर को क्या आप इन्वाइट कर रही है उस कार्यक्रम में? सबको स्वागत किया मैंने, सुनिए, नहीं 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 आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम सबको इनवाइट किया, एपी भाई क्यों, जितने भी लोग गेस्ट बैठे हैं सबको किया, आप सबको किया,
एक बात बताइए, जब चार लोग वहाँ होते हैं मौजूद या 20 लोग होते हैं तो क्या एक को इनवाइट किया जाता है? ठीक ठीक, हमारे एपी सिंह जी सीमा हजार को लेकर जाएंगे क्या कार्यक्रम में? तो 20 के लिए राम राम बोली जाती है, 20 को इनवाइट किया जाता है, मैं क्या है? राकेश पांडे जी की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, टाइम्स नाउ की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, सीमा की बात है एटीएस के पास, मैं मिथिलेश भाटी की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, गीता भाटी की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, राकेश जी की अपनी ले सकता हूँ, वो एटीएस की बात, मैं तो उन्हें ले नहीं जा सकता, खुद जा सकता हूँ, अपनी माँ को ले जा सकता हूँ, अपनी बहन को ले जा सकता हूँ। तो सीमा हैदर तो अपने घर में है, आपकी क्लाइंट है, आप जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगी वो, ऐसा आपकी बहन भी है, दो बहनों का मामला है, पुलिस की जाँच का मामला है, पुलिस की जाँच मिथिलेश पार्टी भी जानती है, आप भी जानते हो, पुलिस की जांच का मामला है, अब पुलिस से परमिशन लगाए, वो लगाए, इनविटेशन आए, लेकिन मुझे बुलाया जाएगा, मैं आपके चैनल फिर कंफ्यूज कर रहे हो भाई, आपने कहा कि आपके चैनल पे इस समय जो लोगों का आपने गेस्ट का नाम लिया, मैंने उनको बोल दिया, आप सीमा हैदर कहाँ से आ गई जी? मैंने पूछ लिया, आप एपी सिंह, अरे मैंने पूछ लिया सवाल, एपी सिंह भाई हमारे, गीता भाटी जी मैंने पूछ लिया, आप बोल दीजिए कि नहीं इनवाइटेड है, बात खत्म। यार राजनीति क्यों करते हो आप लोग? अरे कहाँ से राजनीति क्यों करते हो? अरे कहाँ से राजनीति, ऐसे मत करो गीता भाटी जी, मैंने बस पूछ लिया, सबको इनवाइट कर रही है तो क्या उसमें सीमा हैदर भी इनवाइटेड है कि नहीं है? राजनीति भी समझती हूँ। ठीक है अंबर जैदी, क्या आपको मामला पलटा हुआ वाकई लग रहा है? सीमा हैदर से मेरा क्या लेना देना? ठीक ठीक, मेरा सीमा हैदर से क्या लेना देना? अच्छा सचिन से लेना देना है, सचिन को बुलाएंगी होगी फिर देखा जाएगा। अच्छा सचिन, सीमा हैदर को छोड़ दीजिए, सचिन से लेना देना है, सचिन तो गांव के ही, बुलाएंगे आप सचिन को? एपी भाई बैठे हैं और आप लोगों को निमंत्रण दिया, आपने तोड़ने की कोशिश की। अच्छा सचिन को बुलाएंगी गीता भाटी, सचिन को बुलाएंगी क्या? बैठे हैं, अच्छा बैठे, मैंने कहा सबके लिए बोला। अच्छा सचिन को बुलाएंगी भाई? अभी मेरा उसका कोई लेना देना नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा सचिन और सीमा हैदर का बात ही नहीं हो रही है मेरी, मैं सीमा हैदर से मतलब ही नहीं रखती हूँ, सचिन देश का नागरिक है, उसे कोई मुझसे दिक्कत है, मिथिलेश से दिक्कत है, कोर्ट जाए, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कोर्ट जाए वो, और जो लोग पंचायत कर रहे हैं वो पंचायत करें। गीता, ठीक है गीता भाटी जी, मैं आता हूँ, डिबेट ओपन है, डिबेट ओपन है मेरी। अंबर जैदी, अंबर जैदी, वाकई क्या मामला आज आपको पलटा लग रहा है, कौन किसकी साइड, उसमें क्या है? राकेश कुछ समझ नहीं आ रहा है, दोनों ही एक दूसरे की वकालत कर रहे हैं, और अगर कोई सवाल थोड़ा सा कम्फर्ट जोन से बाहर जा रहा है तो आपके ऊपर ही सवाल खड़ा हो रहा है। तो आज मुझे लग रहा है वो मीडिया, जिन लोगों ने, जिन मीडिया ने इनको इतना बड़ा बनाया, आज वही उस मीडिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, विडंबना है। मुझे लगता है कि मीडिया को भी अब ऐसे लोगों को अटेंशन देना बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है ये अटेंशन की वजह से सारी चीजें अननेसेसरली इसको बहुत ज्यादा ड्रैग किया जा रहा है, और मुझे लगता है हमारे देश के पास बहुत अहम मुद्दे हैं जिनको हमें अटेंशन देनी चाहिए और जिनको डिस्कशन का हिस्सा बनाना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें गाँव में आ गई, इसलिए हमने सोचा कि आज इस पर चर्चा कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। मानवी तनेजा, गीता जी मैं आ रहा हूँ, मानवी तनेजा क्या कहना चाहेंगे आप गीता भाटी की, जो आपने बातें सुनी, एपी सिंह की आपने बातें सुनी? देखिए यहाँ मैं दो बातें कहना चाहती हूँ, एक तो ये कि पाकिस्तान तो पहले से ही मशहूर है लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए, किसी न किसी तरीके से माइंड वॉश करने के लिए, तो आज आपको ये नजारा किसी पर डिबेट में ही देखने को मिल गया कि किस तरीके से यू टर्न मार दिया है गीता जी ने। दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए कोयले की थान अगर जो होती है, कोयले की थान को जितना मर्जी रगड़ लो वो रहेगा काले का काला ही, उसी तरह जो ये है वो जितना मर्जी हिंदुस्तान का नारा लगा दे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो रहेगी पाकिस्तान की, वो हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं कहलाएगी, उसके लिए प्रोसेस एक लीगल प्रोसेस है वो फॉलो करना है। और वो ये सोचती है कि अगर कोयले की थान को आप रगड़ लोगे तो वो कहीं ना कहीं चमक जाएगा सोने की तरह, तो ऐसे नहीं हो सकता। अब बात आती है अगर सीमा की, तो सीमा के पास बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं जो उसको कोर्ट में पहले क्लियर करने पड़ेंगे, उसको क्लीन चिट मिलेगा एटीएस से भी और कोर्ट से भी, जितनी उसको धाराएं लगे तब जाके वो देश की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती है। तो अभी ये यू टर्न करना और ये सारे टीआरपी बटोरना, आपको लग रहा है कि गीता भाटी अब सीमा हैदर की साइड हो गई है? मानवी देखिए जब वकील आ जाते हैं अपने फॉर्म में तो बहुत कुछ को यू टर्न करा देते हैं, और वही अभी मुझे लगता है वकील साहब ने कहीं ना कहीं कुछ अपनी धाराएं दिखा करके बोल करके कि मैं आप पे केस कर दूंगा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये यू टर्न। सिंह देखिए जो बात मैं कह रहा था मानवी वही कह रही है, आपने अपनी वकालत का जोर दिखाया और गीता भाटी का साइड चेंज हो गया। नहीं मानवी तनेजा भी हमारी बहन है, राकेश पांडे जी हमारे भाई हैं, तो मानवी तनेजा भी हमारी सम्मानित बहन बहन है, अभिनेत्री हैं, इनके लिए भी मैं सदा समर्पित रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं। बहन भाई के रिश्ते जब आते हैं
तो ना तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा फर्म थी तो आपने ऐसा क्या बोल दिया कि उन्होंने यू टर्न कर दिया। अब ये देखिए ना, इतना ज्यादा फर्म थे और हिंदुस्तान के 50 कितने सारे लोग थे जो इस वक्त कह रहे थे इलीगल तरीके से आए हैं, अवैध तरीके से आए हैं, और आज की डेट में देखिए उनका जो स्टेटमेंट है वो खुद ही चैनल के माध्यम से बदल गया पूरा। तो कुछ ना कुछ तो आपने प्रेशर दिया होगा ना, तभी तो देखिए इतना भाईचारा हो गया, वो भी एक नेशनल टेलीविजन पे आकर के वो इतना सब कुछ बोल रही है। तो कुछ ना, नहीं 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 आपकी भाषा देखिए हम सबसे सुना है, नहीं 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 हमारे हमारे कान पूरे खुले हुए, हमारी आंखें पूरी खुली हुई है। नहीं 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 बहन, नहीं नहीं मेरी बड़ी बहन है आप, लेकिन हमारे कान खुले हुए, हमारी आंखें खुली हुई है। जिस तरीके से आपकी आपकी जो स्टेटमेंट पहले बहुत दबंग वाली होती थी, निडर होती थी और आप डरती थी कैमरे के आगे, लेकिन यहाँ पे आज आपकी बातों में थोड़ी आपकी थोड़ी आवाज में हलचलाहट है और आप कहीं ना कहीं एक आपके मन में, क्योंकि जिस तरीके से आप सीमा को निवेदन दे रही है, सीमा को भी आपने इनवाइट कर दिया, कहा आप सीमा के लिए एक आप नहीं सुन रही थी, सीमा को आप पसंद नहीं करी थी, आज आप सीमा को खुला आप चैनल पे आकर इनवाइट कर दिया। नहीं 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 सीमा हैदर को नहीं इनवाइट किया, मानवी तनेजा, मानवी तनेजा सीमा हैदर को नहीं इनवाइट किया, उन्होंने कहा वो मेरा सवाल था, वो मेरा सवाल था मानवी की, क्या गीता भाटी जी सीमा हैदर और सचिन को इनवाइट करेंगी, वो मेरा सवाल था। वो कहती है सब इनवाइटेड है, तो उनको स्पेसिफिक होना चाहिए था कि किसको उनको इनवाइट नहीं करना, सब में सब आ जाते हैं, सब में सब आ जाते हैं, अपनी अपनी रचनाएं रचते रहे, गीता भाटी को फर्क नहीं पड़ता। सुन लीजिए आपको, तो आपको आप सिर्फ स्पेसिफिक करती ना मैडम, आप सीधा बोल रही थी कि मैं सीमा को नहीं बुलाऊंगी, आपने जैसे बोला, नहीं 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 आपने कैसे बोल दिया सीमा को बुलाएंगी, इसका मतलब अच्छा ठीक है कहीं आप ठीक ठीक मैं आता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। एपी सिंह शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं नीति और संजय जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं मेरी एक साफ, सभी सम्मानित आपके चैनल दर्शकों और हमारी बहन मिथिलेश भाटी जी सामाजिक कार्यकर्ता और जो हमारी नीति शर्मा जी, संजय सिंह जी, मानवी तनेजा, सबसे एक मेरा अनुरोध है, मैं यहाँ बॉम्बे एयरपोर्ट पे हूँ जी, ठीक है, मैंने सीधे यहाँ आ गया, बोर्डिंग करा ली और हाईकोर्ट आया था, यहाँ वर्किंग था, वहां छुट्टी थी, तो यहाँ हाईकोर्ट मैंने अटेंड कर लिया है, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं लंच नहीं कर पाया जल्दी से, मुझे अगर अनुमति दें तो मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, लंच कर लूं और ब्रंच कर लूं, ना तो लंच रहा ना ब्रंच रहा, तो ब्रंच कर लूं और मैं अपनी फ्लाइट भी पकड़ लूं और भी बहनों के साथ। शब्दों की कमी होती है ना, तभी ऐसे बात को नहीं नहीं चलिए ठीक है, चलिए चलिए एपी सिंह जी बहुत शुक्रिया, नहीं मैं एपी सिंह जी को फ्री कर देता हूं, आप जाइए लंच करिए सर, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है, आप जाइए लंच करिए, फ्लाइट का आपका टाइम होगा, आप अपनी फ्लाइट अटेंड करिए सर प्लीज, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बहनों के पास पहुंचना है, मेरी और बहनें रात में इंतजार कर रही हैं 9 बजे के बाद। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, आप आइए दिल्ली आइए तो चले जाइएगा, रघुपुरा भी, गीता भाटी जी के पास भी चले जाइएगा, बाकी बहनें भी आपका इंतजार कर रही हैं। नीति आप कुछ कह रही थी, आपको माहौल बदला लग रहा है या फिर वाकई गांव में एक जंग जैसे हालात लग रहे हैं कि महापंचायत किसके किसके खिलाफ? राकेश जी मैं क्या बताऊं, इतना हास्यप्रद हो चुका है ये पूरा मामला, और केवल ओवर एक्सपोजर मीडिया का और कहीं ना कहीं नेम और फेम की जो ये लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। सीमा के पूरे प्रकरण को अगर मैं समझती हूँ, स्टार्टिंग से देखती हूँ, सबसे पहले तो इलीगल एंट्री है, इलीगल एंट्री के अगेंस्ट जो फॉरेनर एक्ट है उसके अगेंस्ट या तो इम्प्रिजमेंट है या फिर डिपोर्ट किया जाएगा, फिलहाल वो बेल पर है 7 जुलाई से, ATS के अंदर ये पूरा मामला आ चुका है, अगर जरूरत पड़ी तो इन्वेस्टिगेशन और आगे जाएगी, शायद NIABI, शायद CBI, उसके बाद लाई डिटेक्टर टेस्ट हो या फिर नार्को टेस्ट हो। सबसे पहली बात तो इलीगल एंट्री है, वो पूर्ण रूप से उनके डॉक्यूमेंट से उन्होंने भी पुष्टि करी है और जिसके अंतर्गत वो बेल पे हैं। अब फिलहाल ये पूरा मामला ना लीगल पेरिफेरी में आ चुका है, इसमें किसी को भी कोई हस्तक्षेप करना मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। और जहां तक मिथिलेश भावी के शब्दों की बात है, पांडे जी अगर हम ये छोटे छोटे शब्द किसी ने लोकल डायलेक्ट में, हम और आप भी बोल देते हैं कई बार, झल्ला, हमारे पंजाबी में झल्ला बोला जाता है किसी को, किसी को बोला जाता है बुद्धू जा, तो अगर हम इन शब्दों के लिए अगर हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं तो आदरणीय जो हमारी कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स के इसी काम के लिए रह गई हैं कि छोटे छोटे शब्दों के ऊपर वो लड़े, इतने बड़े बड़े केसेस पेंडिंग हैं, लॉयर्स की कमी है, जजेस की कमी है, और पूरा हास्यप्रद जहां तक मैं, संजय जी ये मामला कहां तक जाएगा, केवल इसको मतलब एक शब्द क्या भाटी भाभी ने बोल दिया, मिथिलेश भाटी जी ने बोल दिया, वो उस शब्द को ऐसे तिल का ताड़ बना दिया गया, मीम्स बन गए, रील्स बन गए, अदालत नोटिस तक की बात, ये मामला कहां तक जाएगा?
अब देखिए उसी शब्दों के इर्द गिर्द महापंचायत की बात की, आओ पंचायत सारी बिरादरियां जुट जाओ भाटी जी के खिलाफ। इसमें तो ये उपन्यास को पन्ने बनते जा रहे हैं। एक स्त्री ने एक पुरुष के साथ शादी करी, मोहब्बत इस कदर था कि वो बॉर्डर लाइन से चली आई। कानून अपना काम करेगा, कानून देखेगा कि वो क्या है, जासूस है कि आतंकवादी है कि क्या है, जो जो जिस जिसने आरोप लगाया उस आरोप को देखेगा कानून। अब सवाल ये है कि उसपे अगर इस देश के अंदर एक बात ये भी सही कहा इन्होंने, ये हमारे गांव के लोकल शब्द हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन क्या है कि जब कोई मुद्दा बहुत गर्म हो जाता है तो उसमें छोटे शब्द भी काफी मजबूत हो जाते हैं और वो एक मुद्दा का हिस्सा बन जाता है। मुझे लगता है कि जितना समय इस चीज पर दिया गया उतना समय अगर उस पर दिया जाता, जब इस देश में तस्लिमा नसरीन आई थी और उन्होंने नागरिकता ली थी, जब हमारे गायक ने नागरिकता ली थी, जब इस देश के अंदर कम से कम नहीं कुछ तो 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग जब देश में बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान के जमीन पर रह रहे हैं, अगर उनके उनमें से किसी एक के लिए इतना मुद्दा बना लिया गया होता, अरे ये सब हमें लगता है कि हम देशवासियों के पास कोई काम है नहीं तो हम खुद जज बनते हैं, हम खुद वकील बनते हैं, हम बहस करते हैं और हम ही निर्णय देते हैं। प्रशासन है, ATS अपना काम करके देख रही है, ATS को जो करना होगा करेगी, जज को जो निर्णय लेना होगा लेगी, डिपोर्ट करना होगा डिपोर्ट करेगी। तत्काल वर्तमान में हम जनता आंख से यही देख रहे हैं कि एक स्त्री ने पुरुष के साथ शादी किया, वो अपने पुरुष के साथ खुश है, वो चाहे छोटा है मोटा है ताजा है नटा है। ठीक है अंबर, आप कुछ कह रही थी। राकेश, इतना सिंपल नहीं कि एक पुरुष ने एक महिला ने एक पुरुष से शादी की और उसके साथ खुश है और बाकी मतलब हम लोग जबरदस्ती में कुछ कर रहे हैं। तो एक एक जबरन घुसपैठिए ने एक बार के बच्चे को जो कि अंडर एज है उसको फंसाकर शादी की है जो कि पाकिस्तान से आई है। इतना सिंपल मामला नहीं है कि बाहर किसी भारतीय महिला ने किसी पुरुष से शादी कर ली और जबरन यहाँ पे मीडिया और सबके सब सामान उनके घर में घुस रहा है। इतना सिंपल मामला नहीं, ये बहुत अहम और बहुत संजीदा मामला है। आपने बात की कुछ जांच एजेंसियों की, STF की, ATS की, सब लोग जांच कर रहे हैं तो हम भी तो सवाल उठाएंगे। लोकतंत्र है, बिल्कुल सवाल करने का अधिकार है। क्या हम एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को जो 3 देश पार करके हमारे देश में घुसा है उसको छोड़ दे, उनको खुश रहने दे, ताकि कल जाके जैसे सब लोग तोहफे और AP सिंह जी भी अभी उनकी वकालत कर रहे थे, मतलब कोई 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 कानूनी कोई किसी चीज की कोई हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम किसी चीज पे ओपिनियन ना दे, किस तरह का लोकतंत्र है। अगर इसी तरह से हम सबका स्वागत करते रहेंगे ना घुसपैठियों का, तो जो अभी वो कह रहे थे ना तोड़ दो दीवारें और सारी चीजें आंगन बड़ा हो जाएगा, तो फिर बॉर्डर तोड़ दो, हमारे जवानों की हत्या करता है, उनको शहीद करता है पाकिस्तान, आप लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ शायरी करते रहिए और बड़ी बड़ी सामाजिक। गीता भाटी जी, एक बात निकली और वो इतनी दूर तक गई कि महापंचायत पंचायत की बात बिरादरियों को बिठा लिया जाए, उसमें चर्चा हो जाए। पूरी बात नहीं सुन पाया। कोई बिरादरी नहीं बैठ रही है भाई मेरे, कुछ नहीं हो रहा है, कहने दीजिए करने दीजिए। उस बामन गांवों में गीता भाटी भी रहती है, गीता भाटी का भी गांव आता है और सभी गांव आते हैं। आप 1 सितंबर में आप यहां देखेंगे कि वो सभी गांवों में से सभी बिरादरियों में से गीता भाटी के यहां भी लोग आते हैं बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा गांव है म्याना, अगर मैं पंचायत करूंगी तो अपने गाँव करूंगी, मैं दूसरे गाँव बाद में भगूंगी जब अपने गाँव पे भरोसा ना हो। रही बात कुछ चीजें, अब जब पंचायतें मैं करती हूँ तो सभी को तो संतुष्ट नहीं कर पाती हूँ ना भाई। अब 2 पक्षों का फैसला होता है तो एक नाराज होता है, एक मन जाता है, जब जिसके हक में फैसला जाता है वो खुश और जिसके में नहीं जाता है वो नाराज। तो ऐसे कुछ लोग भाई हैं अपने जिन्हें लग रहा है कि भाई अब मौका है तो देखिए, तो अच्छी बात है उनको मौका भुनाने। ठीक है, चलिए चलिए, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शाइस्ता के बचने का क्या तरीका है, पुलिस से बचने की उसकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या वो दूसरा निकाह करने वाली है? पूरी रिपोर्ट ब्रेक के बाद।